ठीक है भाई, तो क्या है कि हमने कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था वो पूरा खत्म कर लिया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम कुछ ऑर्गन्स पढ़ेंगे, कुछ डक्ट्स पढ़ेंगे, कुछ ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, अ यूट्रस, अ वेजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड। क्या क्या होता है? ओवरीज होती हैं, ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है, वजाइना होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलियास होते हैं और पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड होते हैं। ठीक है, और एक ग्लैंड और प्रेजेंट होते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड होते हैं, वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमको डायग्राम दे रखा है, इसमें हमको यूट्रस दिख रहा है, इसमें हमको ये ओविडक्ट दिख रहे हैं, इसमें हमको ओवरीज दिख रही है, वजाइना दिख रहा है, ये सारी चीजें हमको दिख रही है। ठीक है, हमको मेमरी ग्लैंड नहीं दिख रहे हैं, हमको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम होता है जिसमें हम यूट्रस, ओविडक्ट और ओवरीज पढ़ते हैं, वो हमको सब दिख रहा है ना। तो ये जो पियर शेप्ड ऑर्गन है, ये जो बीच में है पियर शेप्ड ऑर्गन, ये क्या है? इसको हम यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, फिर ये तुम्हें बगल में क्या, एक ओवल बॉडीज दिख रही है। ठीक है, ओवल जो है शेप दिख रहा है तुम्हें, ओवल शेप ऑर्गन दिख रहे हैं, इनको हम ओवरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरीज बोलते हैं। और फिर ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ओवरीज के जस्ट ऊपर, उनको हम ओविडक्ट्स या फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोल सकते हो या फेलोपियन ट्यूब बोल सकते हो। ठीक है, फिर डायग्राम में देखो यूट्रस की इन्होंने तीन लेयर्स बताई हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, तीन लेयर्स बताई हैं, एंडो, मायो और पेरी। एंडो सबसे इनर जो लेयर होती है हम उसको एंडो बोलते हैं। ठीक है, मायोमेट्रियम जो मिडिल होती है हम उसको मायो बोलते हैं, और जो सबसे अंदर बाहर वाली होती है हम उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, ये याद होना चाहिए। फिर क्या है कि हमारे ये ओवरीज और ओविडक्ट, फिर ओविडक्ट को भी हम क्या करते हैं, तीन पार्ट में हम बोल सकते हैं कि हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं और उनको नेमिंग देते हैं। ठीक है, तो ये जो फूला हुआ सब बीच में पार्ट है इसको एम्पुला बोलते हैं, है ना। एम्पुला जनरली हम उस पार्ट को नाम देते हैं जो थोड़ा सा फूला हुआ होता है। ठीक है, और के कंपैरिजन में क्या होता है, थोड़ा सा फूला हुआ जो पार्ट होता है हम उसको एम्पुला नाम देते हैं। तो भाई ये हल्का सा फूला हुआ पार्ट होता है, इसलिए हम इसको एम्पुला नाम देते हैं। ठीक है, इस्थमस, इस्थमस क्यों? क्योंकि ये एम्पुला और यूट्रस के बीच का कनेक्शन है, मतलब फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस के बीच का ये जो कनेक्शन बना रहा है, इसलिए हम इसको इस्थमस बोलते हैं, है ना। इस्थमस जनरली हम उसी को तो नाम देते हैं जो बीच में कनेक्शन का काम करता है। ठीक है, कनेक्ट करने का काम करता है, तो हम इसको इस्थमस नाम देते हैं। लास्ट वाला जो पार्ट होता है हम उसको इनफंडिबुलम नाम देते हैं, और उससे देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, है ना। इनफंडिबुलम से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिमरी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये फिमरी हो गए, इनफंडिबुलम हो गया, एम्पुला हो गया, इस्थमस हो गया, ये यूट्रस हो गया। यूट्रस की तीन लेयर्स होती हैं, एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड पेरीमीट्रियम। ठीक है, यूट्रस का ही जो लास्ट पार्ट होता है हम उसको सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। और सर्विक्स के जस्ट बाद क्या आता है? वजाइना आता है। जस्ट बाद क्या है, जो हमको लेबलिंग में मतलब डायग्राम में दिख रहा है, लेबल किया हुआ है वजाइना, सबसे लास्ट में क्या आता है? वजाइना आता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोगों को याद होना चाहिए विद लेबलिंग। ठीक है, ये आपको बनाना भी आना चाहिए और ये आपको याद भी होना चाहिए, लेबलिंग पूरी अच्छी तरीके से कि क्या क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब सबसे पहले जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है हम वही पढ़ते हैं ना, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम क्या था भाई? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या नाम था? कौन बताने वाला है? स्पर्म टेस्टिस। स्पर्म तो गैमीट थी ना, है ना भूमिका। स्पर्म तो जो थी वो मेल गैमीट थी, टेस्टिस ऑर्गन है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? उसका टेस्टिस होता है, और इसका क्या होता है? ओवरी होता है, जो कि क्या बनाती है? फीमेल गैमीट। द ओवरीज प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट जो कि ओवम होता है, एंड सम स्टीरॉइड हॉर्मोन। ठीक
ठीक है, और क्या कुछ हॉर्मोन्स भी हमारे सिक्रीट करती है, ठीक है, वो हॉर्मोन्स अभी हम देखेंगे। द ओवरीज आर अटैच टू द एब्डोमिनल वॉल बाय एन ओवेरियन लिगामेंट कॉल्ड मीजोवेरियम, ठीक है, ये याद रखना कि किसके थ्रू जुड़ी होती है, लिगामेंट के थ्रू जुड़ी हुई होती है, किसके थ्रू, लिगामेंट के थ्रू हमारी किससे, एब्डोमिनल वॉल से जुड़ी हुई होती है, और उस लिगामेंट को हम क्या बोलते हैं, मीजोवेरियम बोलते हैं। ईच ओवरी इज अ कॉम्पैक्ट और सॉलिड ऑर्गन कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, ठीक है, अंदर हम दो जोन में डिवाइड कर देते हैं, ओवरी को हम दो जोन में डिवाइड कर देते हैं, तो आउटर जोन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर जोन इज नोन एज मेड्यूला, है ना, ये हर जगह होता है, जहां भी हम कॉर्टेक्स मेड्यूला पढ़ेंगे सब जगह ऐसे ही होता है, बाहर वाले को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले को हम मेड्यूला बोलते हैं। द स्ट्रोमा ऑफ द कॉर्टिकल लीजन इज कम्पोज ऑफ स्पिंडल शेप्ड फाइब्रोब्लास्ट, इसके पास क्या होती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, ठीक है, किस रीजन में, कॉर्टेक्स रीजन में, ये कॉर्टिकल रीजन देखा है तो मतलब कॉर्टेक्स, है ना, कॉर्टेक्स में फाइब्रोब्लास्ट होती हैं। अ पुअरली डिलिनेटेड डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर ट्यूनिका एल्बिजिनिया कवर्स द कॉर्टेक्स, ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो ये लेयर होती है कॉर्टेक्स के जस्ट बाहर, क्योंकि आउटर वाला ये कॉर्टेक्स है, ठीक है, तो जस्ट बाहर जो लेयर होती है हम उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजीनिया बोलते हैं, कवर्स द कॉर्टेक्स, इट इम्पार्ट द व्हाइटेस्ट कलर टू द ओवरी, इसी की वजह क्या आता है, ओवरी का व्हाइट कलर हमको दिखाई पड़ता है। लोकेटेड आउटसाइड द ट्यूनिका एल्बुजीनिया द जर्मिनल इपिथीलियम फॉर्म्ड ऑफ सिंपल स्क्वामस और क्यूबॉइडल इपिथीलियल सेल्स कवर द सर्फेस ऑफ द ओवरी, फिर कौन सी लेयर आती है, जर्मिनल इपिथीलियम आती है ना, जर्मिनल इपिथीलियम जो कि हमने पढ़ी हुई है किसमें, टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ी हुई है, जो हमारी गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, हम उसको जर्मिनल इपिथीलियम बोलते हैं, तो वो भी हमारी ओवरी में होगी, जैसे टेस्टिस में भी जर्मिनल इपिथीलियम थी ना, तो इसमें भी हमारी जर्मिनल इपिथीलियम होगी, क्योंकि वो भी गैमेट्स बना रहा था और ये भी गैमेट बनाएगा, वो मेल गैमेट बना रहा था तो ये फीमेल गैमेट बनाता है ओवरी, ठीक है, तो ये नीचे एक डायग्राम दे रखा है ओवरी का, ये भी तुम लोगों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए ना, ओवरी का डायग्राम बनाना भी आना चाहिए, ठीक है, तो इसमें जो वेसल्स दिख रही हैं तो वो तो तुम समझ ही गए होगे कि एक आर्टरी है तो दूसरी वेन है ना, रेड वाली हम आर्टरी मानते हो, ब्लू वाली हम वेन बताते, फिर इसमें क्या होता है, प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स, तो हमने प्रिमोर्डियल का मतलब बताया था, है ना, भूमि का क्या मतलब होता है प्रिमोर्डियल का, अभी कल परसों तुमने पूछा था ना, तो मतलब बताया था कि एक ऐसा स्टार्टिंग फॉर्म होता है जहां वो अपना फेट डिसाइड कर लेता है कि हाँ भाई हमका ये करना है या हमें ऐसा बनना है, ठीक है, तो ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स बन गई, मतलब ये आगे जाके क्या हमारी डेवलप्ड या ग्रेफियन फॉलिकल बनाएगी, जिसके अंदर क्या होगा, ओवम होगा, तो देखो प्रिमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनी, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल और डेवलप्ड होके सेकेंडरी फॉलिकल बनी, सेकेंडरी फॉलिकल और डेवलप होके ये टर्चरी फॉलिकल बना लेती हैं, और टर्चरी फॉलिकल और डेवलप्ड होके ग्रेफियन फॉलिकल बना देती हैं, ठीक है, फिर ग्रेफियन फॉलिकल से क्या होता है, ओवम रिलीज हो जाता है, देखो ये जो येलो येलो कलर की इस फॉलिकल में बॉडीज दे रखी हैं, दिख रही है ना, यहाँ सेकेंडरी फॉलिकल से देखो ये जो येलो कलर की हमको बॉडीज दे रखी है, इसमें बॉडी दे रखी है, सॉरी ये क्या है, ओवम है ना, तो देखो ग्रेफिन फॉलिकल के बाद क्या हुआ, ये ओवम रिलीज हो गया, है ना, तो ओवम जब रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं ना, रिलीज ऑफ ओवम इज नोन एज ओव्यूलेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ओव्यूलेशन बोलते हैं, तो देखो ओव्यूलेशन हो गया, उसके बाद ओवम तो निकल गया, अब ग्रेफिन फॉलिकल तो बचेगी ना, जो यहाँ ग्रेफिन फॉलिकल थी ओवम निकल गया, ठीक है भाई निकल गया, ओव्यूलेशन हो गया, लेकिन अब ग्रेफिन फॉलिकल तो बचेगी, तो जो बची कुची ग्रेफिन फॉलिकल होती है वो डेवलप्ड होके येलो कलर का स्ट्रक्चर में डेवलप होती है, जिसको अपन कॉर्पस लुटियम बोलते हैं, ठीक है, इस कॉर्पस लुटियम का बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंस होता है ना, इसको अपन डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंस होता है, तो इस स्ट्रक्चर को मत भूलना, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, जब ग्रेफिन फॉलिकल से ओवम निकल जाता है, मतलब ओव्यूलेशन के बाद ग्रेफिन फॉलिकल जब बचता है वो डेवलप हो जाता है एक येलो कलर के मास में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पस लुटियम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन सीक्रीट करता है, जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है,
तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये ओवरी का हमने एक सिंपल सा बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लिया कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या सेल्स होती हैं जो डेवलप करके प्राइमरी फॉलिकल बनाती हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्चरी, फिर गैफी, और उसी सेल्स के अंदर या फॉलिकल्स के अंदर हमारा ओवम होता है जो ग्रेफिन फॉलिकल बन जाता है, पूरा ग्रेफिन फॉलिकल बन जाता है। उसके बाद ओवम क्या हो जाता है, हमारा रिलीज हो जाता है, ठीक है, ओवरी से बाहर निकल जाता है ओवम हमारा, ठीक है। उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। फिर जो बचा हुआ ग्रेफिन फॉलिकल होता है वो क्या करता है, एक येलो कलर के मास में डेवलप होता है जिसको हम ग्रेफिन फॉलिकल बोलते हैं, है ना। ये इतना समझ में आ गया होगा, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते, अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स देखते हैं और ग्लैंड्स देखते हैं कि सेकेंडरी में क्या पढ़ते हैं। तो सेकेंडरी में हम यूट्रस पढ़ लेते हैं, फेलोपियन ट्यूब, वेजाइना वगैरह पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम फेलोपियन ट्यूब देखते हैं, है ना, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, ओवी डक्ट्स भी बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स को हम क्या भी बोलते हैं, ओवी डक्ट्स भी बोलते हैं, ना। तो कंफ्यूज मत होना कभी अगर फेलोपियन ट्यूब की जगह ओवी डक्ट आ जाए या ओवी डक्ट की जगह फेलोपियन ट्यूब आ जाए, ठीक है। डेवलप फ्रॉम द मुलेरियन डक्ट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में एक मुलेरियन डक्ट होती है, उनसे क्या होता है, हमारा ओविडक्ट डेवलप होता है ना। डेवलपमेंट के बाद वो ओविडक्ट में कन्वर्ट होता है। इट कन्वेज द एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस, ये एक पाथ होते हैं, मतलब ओवम जो हमारा ओवरी से निकला, ठीक है, अब उसको कहाँ तक जाना है, हमारा जहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। तो एक ये पाथ की तरह होता है कि हमारा ओवरी और यूट्रस के बीच में कनेक्शन होता है ना। मतलब फेलोपियन ट्यूब जो होता है तो ये क्या करता है, ओवम को कहाँ से कहाँ लेकर जाता है, यूट्रस तक लेकर जाता है। खैर उसके पहले अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, यूट्रस के जाने से पहले इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एंड प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन। और क्या प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में ही होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओविडक्ट में ही होता है ना। कौन से रीजन में होता है ओविडक्ट के, एम्पुला रीजन में होता है, ठीक है। हमने जो एम्पुला अभी पढ़ा था उस रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मीजोस्फिंक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, मीजोस्फिंक्स बोलते हैं, ठीक है। पेरिटोनियम का एक फोल्ड होता है, उससे ये क्या रहता है, सपोर्टेड होता है ओविडक्ट जो। Each oviduct is differentiated into four part. कौन कौन से four part? Infundibulum देखा था हमने, ठीक है, ampulla देखा था हमने, isthmus देखा था हमने, है ना, and uterine part, जो थोड़ा सा uterus का जब connection बनता है तो वो इन्होंने वो भी conclude कर लिया है ना, वो भी include कर लिया है इसमें, ठीक है। uterine वाला जो part रहता है वो भी इसमें include कर लिया है। फिमरी क्या काम करता है, हमने देख लिया, एम्पुला जो होता है फर्टिलाइजेशन का काम करता है, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो फिमरी क्या करता है, फिमरी करता है कलेक्शन ऑफ ओवम। जब ओव्यूलेशन होता है, ओवरी से ओवम निकलता है, तो उसको कलेक्ट कौन करता है, फिमरी कलेक्ट करता है। कौन कलेक्ट करता है, फिमरी कलेक्ट करता है। जो इनफंडिबुलम से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं उनको फिमरी बोलते हैं, वो क्या काम करते हैं, कलेक्शन ऑफ ओवम का काम करते हैं। ट्यूबिकटॉमी, फिर इन्होंने यहाँ पे टर्म बताया है ट्यूबिकटॉमी। ट्यूबिकटॉमी हम किसको बोलते हैं, कटिंग ऑफ ओविडक्ट, मतलब ये एक परमानेंट मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम पढ़ेंगे, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्शन का एक परमानेंट मेथड होता है, मतलब अगर प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है तो उसके लिए एक परमानेंट मेथड होता है। परमानेंट मेथड में क्या होता है, यूट्रस सॉरी फेलोपियन ट्यूब को ये क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं और उनको टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब को काट देंगे और बांध देंगे। तो अब जब फेलोपियन ट्यूब को बीच से काट के बांध देंगे तो ओवम आएगा तो फेलोपियन ट्यूब में, लेकिन उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि स्पर्म्स नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, मतलब मीटिंग रुक जाती है ना। दोनों के बीच में जो मीटिंग होती है स्पर्म और ओवम के बीच में, वो रुक जाती है। तो ये परमानेंट मेथड होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, परमानेंट मेथड होता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन का। तो ट्यूबेक्टॉमी हो जाती है। फिर यूट्रस आ जाता है, तो यूट्रस को हम वोम्ब भी बोलते हैं। इट इज अ पायरी फॉर्म या फियर शेप्ड ऑर्गन हम बोल सकते हैं। हॉलो होता है,
ठीक है, अंदर से खाली होता है, मस्कुलर होता है, थिक वॉल्ड होता है, बट डिस्टेंसिबल। लेकिन कैसा होता है? डिस्टेंसिबल होता है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकता है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर, हमने पढ़ा था ना 11th में कि यूरिनरी ब्लैडर में जो डिफ्यूसर्स मसल्स होती हैं वो क्या कर सकती हैं? स्ट्रेचेबल होती हैं, स्ट्रेच कर सकती हैं। सेम हमारा क्या होता है, हमारा उसी तरीके से हमारा यूट्रस भी क्या कर सकता है? स्ट्रेच हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये आगे जाके फीटस को कहीं यहीं पे इम्प्लांटेशन होता है, यूट्रस में ही क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है ना? तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है? फीटस डेवलपमेंट होता है। अब फीटस डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है? यूट्रस जो होता है वो स्ट्रेच करता है, जिससे फीटस जो है वो पूरा उसमें डेवलप हो पाए। इट इज मेंट फॉर नरिशिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। ये क्यों होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, ये हमने अभी जस्ट देखा है। यूट्रस इज कैपेबल ऑफ ट्रिमेंडस एनलार्जमेंट, है ना? यूट्रस अपने साइज से काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है फीटस डेवलपमेंट के टाइम पे, क्योंकि अगर ये स्ट्रेच नहीं करता, डिस्टेंसिबल नहीं होता, ये बड़ा नहीं होता अगर, तो इसमें फीटस कैसे आ पाता है? इसमें फीटस नहीं आता, ठीक है? तो लेकिन ये क्या करता है, इसमें पावर होती है डिस्टेंसिबल की, इसलिए ये क्या कर जाता है, काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है जब फीटस डेवलपमेंट इसके अंदर होता है। एम्प्टी यूट्रस इज अबाउट इज 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, इन्होंने एक लंबाई चौड़ाई और थिकनेस बताई है आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? हमने यूट्रस पढ़ लिया, ओविडक्ट्स पढ़ लिए, तो बताओ इसमें कोई किसी को तकलीफ? तकलीफ किसी को? नहीं, ठीक है, आप देखते हैं इन्होंने बोला था सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। ठीक है, क्या होता है जब यूट्रस को हमें रिमूव करना पड़ता है? ठीक है, वो चांसेस जैसे कैंसर में हो जाता है, ट्यूमर्स में हो जाता है, तो अगर क्या हो जाता है कि हमें यूट्रस को रिमूव करना होता है, यूट्रस को निकालना पड़ता है, क्योंकि यूट्रस का अगर हम कहें कि हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी में कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है तो नहीं होता है भाई। एक सबसे बड़ा उसका वही होता है कि वो फीटस को कैरी करता है ना? अगर ये नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं पॉसिबल है। यूट्रस नहीं होगा तो प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा, फीटस डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, फिर वो फीटस डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इसलिए प्रेगनेंसी भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, तो बस उसी लिए होता है। तो अगर इसमें ट्यूमर हो जाता है, कैंसर वाली कंडीशन आ जाती है, तो हमें यूट्रस को रिमूव करना पड़ता है। तो जो उसका प्रोसीजर होता है, या हम उसकी प्रोसेस बोलते हैं, उसको हम हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। यूट्रस की 3 लेयर होती है, हमने सबसे पहले डायग्राम में देखी ही थी। बाहर वाली को पेरिमीट्रियम बोलते हैं, मिडिल वन इज नोन एज मायोमीट्रियम, एंड द इनर वन इज नोन एज एंडोमीट्रियम। ठीक है, ये हमने देखा ही है भाई, 3 लेयर होती है, पेरिमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड्रोमीट्रियम फॉर्म द मैटरनल सेक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, जब प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है, ये है ना, पता होगा कि हमारा जो प्लेसेंटा होता है वो टेम्परेरी ग्लैंड की तरह रहता है ना? जब तक फीटस होता है, जब तक अंदर फीटस होता है, तभी तक प्लेसेंटा होता है। उसके बाद जब पार्चुरिएशन होता है, तो फीटस के साथ साथ प्लेसेंटा भी बाहर आता है। तो प्लेसेंटा बनता भी प्रेगनेंसी के टाइम पर ही है। तो जो एंडोमीट्रियम है वो क्या बनाता है? प्लेसिंटा का मैटरनल सेक्शन बनाता है, मतलब प्लेसिंटा में कुछ फीटस कंट्रीब्यूट करता है, और कुछ कौन कंट्रीब्यूट करती है? मदर कंट्रीब्यूट करती है ना? ऐसा नहीं होता कि प्लेसिंटा या तो पूरा मदर बनाए या तो पूरा फीटस बनाए। कुछ पार्ट जो होता है वो मदर कंट्रीब्यूट करती है, कुछ पार्ट जो होता है वो फीटस कंट्रीब्यूट करता है। तो जो उसका मैटरनल सेक्शन होता है फीटस का, मतलब जो मैटरनल सेक्शन मतलब मदर का सेक्शन होता है, वो कौन बनाता है? एंडोमीट्रियम बनाता है, यूट्रस का एंडोमीट्रियम बनाता है। द यूट्रस इज द साइट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द प्री एम्ब्रियो। अभी बताया ना कि हमारा जाइगोट बन जाएगा, ठीक है, फ्यूजन करेगा, हमारा ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होगा। ठीक है, फ्यूजन करके वो जाइगोट बना लेंगे, जाइगोट के बाद पता है हमको एम्ब्रियो बना लेंगे, है ना? तो जो हमारा एम्ब्रियो
प्री एम्ब्रियो का जो हमारा इम्प्लांटेशन, मतलब वहां पे जाके वो क्या करता है, इम्प्लांट कर जाता है यूट्रस में जाके, और वहीं पे जाके वो फीटस में कन्वर्ट होता है ना, फीटस में डेवलप होता है। ठीक, ये काम हो गया। तो हमने यूट्रस के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया। अब इन्होंने फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बताया, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या आ जाता है, मॉन्स प्यूबिस आ जाता है, लेविया मेजोरा आ जाता है, लेविया माइनोरा आ जाता है, हाइमेन आ जाता है, क्लिटोरिस आ जाता है। मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, हाइमेन और क्लिटोरिस। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस वो होता है जो एक फैटी टिश्यू होता है ना, एक फैटी टिश्यू होता है जहाँ पे प्यूबिक हेयर वगैरह ग्रोथ करते हैं। ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात हो रही है। मॉन्स प्यूबिस के जस्ट इनर टू द मॉन्स प्यूबिस लेबिया मेजोरा इज प्रेजेंट। ठीक है, लेबिया मेजोरा क्या होते हैं, आर द लिप लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लेबिया मेजोरा आर द लिप लाइक स्ट्रक्चर, और लेबिया मेजोरा के अंदर जस्ट अंदर लेबिया माइनोरा होते हैं, है ना। लेबिया माइनोरा भी लेबिया मेजोरा जैसे देखते हैं, बस क्या होता है वो उनके साइज में डिफरेंस आता है कि लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा से छोटे होते हैं। हाइमिन क्या होती है, हाइमिन इज अ लेयर। ठीक है, हाइमिन इज अ मेम्ब्रेन। हाइमिन क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। और क्लिटोरिस जो होता है, क्लिटोरिस कैसे हम कह सकते हैं, ठीक है, क्लिटोरिस भी जो होता है हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट होता है। ठीक है, ये अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इसको एनसीईआरटी से अपन को रीड करना है। ठीक है, कि मॉन्स प्यूबिस अपना एक फैटी टिश्यू होता है जिसपे प्यूबिक हेयर ग्रोथ करते हैं, और लेबिया मेजोरा को गार्ड करते हैं, मतलब जस्ट आउटर टू द लेबिया मेजोरा प्रेजेंट होते हैं। लेबिया मेजोरा क्या होते हैं, आर द लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो लेबिया माइनोरा को कवर किए हुए होते हैं। ठीक है, हाइमिन एक क्या होती है, मेम्ब्रेन कहलाती है। हाइमिन क्या कहलाती है, मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, अब वेजाइना आ जाता है। तो वेजाइना इज अ ट्यूबुलर फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। जैसे वहां मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या था, पेनिस जो था वो मेल और कॉपुलेटरी ऑर्गन था, वैसे ही उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन वेजाइना है, जो कि एक पैसेज होता है। ठीक है, एक कॉपुलेशन के लिए पैसेज होता है, और किसके लिए पैसेज होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए पैसेज होता है, और किसके लिए, बर्थ कैनाल, मतलब जब पार्चुरेशन आता है तो हमारा एक बर्थ कैनाल की तरह काम करता है ये, मतलब जब बेबी किस रूट से बाहर आती है, इसी रूट से बाहर आता है जो बेबी होता है। ठीक है, और ये किसके लिए भी होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूड, जो मंथली साइकिल होती है फीमेल्स में। ठीक है, ह्यूमन फीमेल्स में जो मंथली साइकिल होती है उसमें जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है, तो उसमें जो मेंस्ट्रुअल फ्लूड होता है या फ्लो होता है वो भी इसी के थ्रू बाहर आता है ना। और क्या होता है, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है ना, कॉपुलेशन जो होगा वो इसी रूट के थ्रू होता है, वेजाइना के थ्रू। ठीक है, इतना याद होना चाहिए हमको। वेजाइनल वॉल इज मेड ऑफ इंटरनल म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर एंड आउटर एडवेंटिशिया। ठीक है, इसके पास क्या होती है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है, नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। नॉन क्रेटिनाइज ये तो हम पता ही कर सकते हैं, क्योंकि ये फीमेल जेनाइटेलिया है ना, ये बहुत ही डेलिकेट है, ये इंटरनल है, डेलिकेट है, इसलिए इसमें क्रेटिन की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कैसी होती है, नॉन क्रेटिनाइज होती है। ग्लैंड्स इसमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन सर्वाइकल ग्लैंड डू पास ऑन सम म्यूकस इनटू इट ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ठीक है, लेकिन क्या होता है, सर्वाइकल म्यूकस जरूर इसमें वेजाइना में आ जाता है, क्योंकि सर्विक्स के जस्ट बाद वेजाइना है ना, अभी डायग्राम में देखा था हमने। ठीक है, कि सर्विक्स के जस्ट बाद वेजाइना आता है। ठीक, तो सर्विक्स के पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, तो जब ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के टाइम पे मतलब फीमेल प्रिपेयर करती है फॉर द कॉपुलेशन और फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो कॉपुलेशन के लिए क्या करते हैं, मतलब जो सर्विकल म्यूकस जो होता है वो रिलीज होने लगता है। ठीक है, फॉर द ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन के लिए क्या होता है, सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वो रिलीज होता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, तो इसमें थोड़ा बहुत सर्वाइकल म्यूकस आ जाता है वजाइना में। तो बताओ भाई, इतना समझ में आया सब कुछ, इसमें समझने के लिए और याद करने के लिए दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बताओ भाई, जब समझ में आएगा तभी याद होगा। तो बताओ, कुछ नहीं आया हो अगर बीच में कुछ भी,
ये मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस बेटा एक फैटी टिश्यू होता है जो हमारा, मतलब हम कह सकते हैं एक्सटर्नल जनाइटेलिया है, ये फीमेल का एक्सटर्नल जनाइटेलिया है, जिस फैटी टिश्यू होता है इसमें, और क्या होता है प्यूबिक हेयर्स आते हैं इस पे, क्या होते हैं प्यूबिक हेयर ग्रो करते हैं। ठीक है, डायग्राम के थ्रू हम दिखाते हैं तुम्हें, डायग्राम के थ्रू दिखा है ना। हाँ भाई ठीक, तो बर्थोलिन ग्लैंड्स आ जाते हैं, जैसे वहां पर हमने कॉपर्स ग्लैंड या वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड्स पढ़े हुए थे, यहाँ पे हम बर्थोलिन ग्लैंड पढ़ते हैं। तो बर्थोलिन ग्लैंड जैसे वहां पर वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम था ना, या कॉपर्स ग्लैंड का काम था मेल्स में, सेम काम बर्थोलिन ग्लैंड किस में करती है, फीमेल्स में करती है। ठीक है, सेम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम कौन करती है, फीमेल्स में करती है। जैसे कि वहां बर्थोलिन, सॉरी बर्थोलिन नहीं, कॉपर्स ग्लैंड जो था वो क्या कर रहा था, लिब्रिकेशन का काम कर रहा था, मतलब वो ऐसा सिक्रीशन दे रहा था जो कि लिब्रिकेशन के लिए काम कर रहा था, और क्या कर रहा था, न्यूट्रलाइज कर रहा था यूरेथ्रा की एसिडिटी को। ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्या करता है, बर्थोलिन ग्लैंड का भी जो सिक्रीशन होता है वो कैसा होता है, द सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड इज थिक विस्कस एंड एल्कलाइन फॉर द लिब्रिकेशन एंड काउंट्रैक्टिंग यूरिनरी एसिडिटी। ठीक है, यूरिनरी एसिडिटी को काउंट्रैक्ट करने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और विस्कस होता है, ठीक है, थिक होता है लिब्रिकेशन के लिए। ठीक है, विस्कस और थिक किस लिए होता है, लिब्रिकेशन के लिए। फिर और ग्लैंड आते हैं मेमरी ग्लैंड। ठीक है, तो मेमरी ग्लैंड आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ठीक है, जो स्वेट ग्लैंड होते हैं हमारे पास, उसमें फीमेल्स में क्या हो जाते हैं, कुछ स्वेट ग्लैंड जो होते हैं मेमरी ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मेमरी ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये कहाँ होते हैं, पेक्टोरल मसल्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, मतलब ये फ्रंट में या वेंट्रल साइड पे, फीमेल्स के वेंट्रल साइड पे थोरेसिक रीजन पे पेक्टोरल मसल्स के ऊपर होते हैं, है ना, जिसको लेमेन अगर लैंग्वेज में बोले तो ब्रेस्ट बोलते हैं, है ना, और अपनी लैंग्वेज में बोले तो मेमरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इंटरनली ईच ग्लैंड कंटेन 15 to 20 लोबुलेटेड मिल्क ग्लैंड्स। इसके पास क्या होते हैं, मिल्क ग्लैंड्स होते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं ना, प्रेग्नेंट फीमेल्स में, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनमें ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और पार्चुरेशन के बाद मिल्क सिक्रीशन भी स्टार्ट हो जाता है, मतलब जब बेबी बाहर आ जाती है, डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाती है, तो इसमें पार्चुरेशन भी स्टार्ट भाई हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाता है, विच हैज न्यूट्रिशन एंड इम्यूनोलॉजिक फंक्शन। ठीक है, जो इस मेमरी ग्लैंड जो सिक्रीशन देता है, मतलब मिल्क तो प्रोडक्शन करता है, मिल्क सिक्रीशन करता है, उस मिल्क में क्या होता है, न्यूट्रिशनल क्वालिटीज होती हैं और इम्यूनोलॉजिक फंक्शंस भी होते हैं, मतलब कि ये न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करती ही करती है, मतलब जो यंग वन है, जो अभी अभी बाहर आया है, उसको न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करती ही करती है, उसके साथ इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ एंटीबॉडी होती है ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें किससे मिल सकती है, मदर मिल्क से ही मिल सकती है ना, जो मिल्क सिक्रीशन होता है मेमरी ग्लैंड से, सिर्फ उसी से हमें वो एंटीबॉडीज मिल सकती है, बाकी हमें पूरे जीवन भर वो एंटीबॉडी किसी भी तरीके से नहीं मिलने वाली है। ठीक है, इसलिए जो मदर मिल्क होता है वो बहुत जरूरी होता है न्यू बर्न्स के लिए। ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो नए बेबीज होते हैं, न्यू वंस होते हैं, उनके लिए क्या होता है, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, मिल्क ग्लैंड होते हैं, जो कि मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन करते हैं। तो सिक्रीशन के लिए क्या होता है, इसके पास एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, जैसे कि ये क्या है, मेमरी लोब है ना, ये मेमरी एल्व्यूलस, जिसको मेमरी एल्व्यूलस बोला है, यही क्या करते हैं, मिल्क फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन करके ये जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, मिल्क जिसको हमने मेमरी डक्ट बोला है, ये किसको दे देते हैं अपना सीक्रेशन, मेमरी डक्ट को बोल देते हैं। फिर एक फूला हुआ सा पार्ट आ जाता है एम्पुला। ठीक है, फिर वहां पे एम्पुला पे आ जाता है, एम्पुला के बाद वो लैक्टिफेरस डक्ट पे आ जाता है, और लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू क्या होता है, वो निपल के थ्रू बॉडी से रिलीज होता है, बॉडी से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो ये तुम लोगों को इसका पैसेज याद होना चाहिए कि मेमरी एल्वियोलस आता है, मेमरी डक्ट आता है, एम्पुला आता है, लैक्टिफेरस डक्ट आता है, देन निपिल। ठीक है, इतना याद होना चाहिए। ठीक भाई, आ गया इतना समझ में?
हाँ ना, यस मैम। ठीक है ना। अब जैसे हमने वहां पर क्या पढ़ा था, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हमारा ओवरी जो होता है वो कौन, पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब सबसे पहले तो कौन हमारा हाइपोथैलेमस है ना। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, वो किस पर जाकर इनिशिएट करता है, किसके हार्मोन के सिक्रीशन को इनिशिएट करता है, वो इनिशिएट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हमारे कौन से गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं भाई, LH और FSH है ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दोनों कौन सिक्रीट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ही सिक्रीट करता है भाई। अब ये LH और FSH हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हुए, ये किस पर जाकर काम करेंगे, ये जाकर काम करेंगे ओवरी पर। ठीक है, ओवरी पर करेंगे। दोनों का अलग अलग काम होता है, इनका तो सबसे पहले मतलब अगर बोलें कि ये हमारे जो FSH होता है ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, किसके लिए, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, मतलब जो अभी हमने देखा था कि हमारी प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बनती है, सेकेंडरी से टर्चरी और टर्चरी से ग्राफिन फॉलिकल, तो वो हमारे किसकी वजह से, FSH क्या करता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करके रखता है भाई, किसका ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करके रखता है। फिर LH क्या कराता है, तो LH भाई ओव्यूलेशन कराता है ना, ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम। ठीक है, रिलीज ऑफ ओवम, ओव्यूलेशन कराता है, क्या कराता है, ओव्यूलेशन कराता है। तो दोनों के अपने अपने काम होते हैं और तुम लोगों को याद भी होना चाहिए, FSH क्या कराता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओव्यूलेशन कराता है। ठीक है, क्या कराता है, ओव्यूलेशन कराता है भाई, इतना याद होना चाहिए। ठीक है, फिर ओवरी पे जाता है, सो ओवरी से ईस्ट्रोजिन सिक्रीट होता है, क्या सिक्रीट होता है, FSH की वजह से, क्योंकि FSH जो है फॉलिकुलर डेवलपमेंट करा रहा है और फॉलिकल से डेवलप होके क्या सिक्रीट करती है, ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है, डेवलप फॉलिकल्स सिक्रीट ईस्ट्रोजन, क्या सिक्रीट करती है, ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है, और ईस्ट्रोजन इन टर्न किस पे काम करता है, यूट्रस पे काम करता है। अब यूट्रस पे क्या काम करना है, यूट्रस को तैयार करना है किस लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ओवम तो सिक्रीट हो चुका है, LH ने ओवम को सिक्रीट करा दिया है, ठीक है, ओव्यूलेशन करा दिया है। अब जब ओव्यूलेशन हो गया है तो चांसेस तो है भाई फर्टिलाइजेशन की, कि अगर कॉपुलेशन होगा, स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो उसके साथ साथ क्या होता है, ये सारे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा यूट्रस भी क्या करता है, अपने आप को तैयार करता है। ठीक है, जो कि कौन हेल्प करता है, उसकी ईस्ट्रोजन करता है ना, मतलब कैसे तैयार करता है, कि अपने बॉल्स को थिक करता है, थिकनिंग ऑफ द बॉल्स होती है, क्या हो जाती है, थिकनिंग बॉल्स ऑफ यूट्रस, ठीक है, यूट्रस की जो बॉल्स है वो क्या कर जाती है, मोटी होना स्टार्ट हो जाती है। मोटी कैसे, मतलब उसमें खूब सारा ब्लड आता है, जिससे वो क्या करती है, अपनी एक तरीके से ग्रोथ करना स्टार्ट करती है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उनको इम्प्लांटेशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, है ना। तो इतनी सारी चीजें उसमें हो जाती है। तो भाई इतना समझ में आया कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रो एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाके काम करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से बोलता है भाई LH और FSH सिक्रीट करो आप। LH FSH का दोनों का अलग अलग काम होता है, लेकिन ओवरी पे ही काम करते हैं, ये क्या काम करते हैं, ओवरी पर काम करेंगे, क्या FSH फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराएगा, मतलब जो हमारी ये प्राइमरी फॉलिकल है उसको टर्चरी और ग्राफिन फॉलिकल तक डेवलप कराता है, ठीक है, और LH ओव्यूलेशन कराता है। ठीक, अब जो हमारी डेवलप्ड फॉलिकल्स हैं वो एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिसको अपन ईस्ट्रोजन बोलते हैं। ठीक,
ईस्ट्रोजन यूट्रस पे जाके काम करता है और यूट्रस से बोलता है भाई थिकनिंग ऑफ वॉल्स करो, क्यों? क्योंकि इम्प्लांटेशन करना है ओवम, अगर ओव्यूलेशन होगा तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी है, ठीक है? जब चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है तो हमें फर्टिलाइजेशन के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा, तो ये सारा कुछ होता है, ठीक? जब सफिशियंट ईस्ट्रोजन हो जाता है, तो सफिशियंट ईस्ट्रोजन हो जाता है तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है किसके पास? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास एक नेगेटिव फीडबैक जाता है कि भैया आप क्या करो अब, मतलब बंद करो, है ना? अगर ओव्यूलेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ओवम हमारा डिजनरेट हो जाता है, तो नेगेटिव फीडबैक जाता है, और अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो पॉजिटिव फीडबैक जाता है। मतलब कि अगर जैसे ओवम फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट बन गया, तो अब तो इम्प्लांटेशन होना ही होना है, तो इम्प्लांटेशन होना है तो यूट्रस को तो तैयार रहना ही रहना है, ठीक है? इम्प्लांटेशन के लिए तो पॉजिटिव फीडबैक जाता है, मतलब आप अपने हार्मोन सीक्रेट करते रहो, है ना, तो पॉजिटिव फीडबैक जाता है। और अगर ओव्यूलेशन के बाद ओवम जो है तैयार हो गया लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, जैसे ही ओवम डिजनरेट हो जाता है वैसे ही क्या, एक नेगेटिव फीडबैक जाता है कि भाई अपना सिक्रेशन बंद करो, हमको सिक्रेशन की अभी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ओवम ही नहीं रहा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यूट्रस की हमें जरूरत भी नहीं है अभी, है ना? तो ये हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कौन कैसे काम करता है, किस पे वर्क करता है, तो ये तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है? इतना समझ में आ गया कि एक बार फिर से समझाएं? आ गया मैम, ठीक है, है ना? इसके बाद आ जाता है हमारा गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमीट फॉर्मेशन, कि गैमीट फॉर्मेशन में हम पढ़ते हैं स्पर्म फॉर्मेशन और ओवम फॉर्मेशन, तो दोनों फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, दोनों गैमीट फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो स्पर्म की फॉर्मेशन को बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम की फॉर्मेशन को बोलते हैं ऊजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस ऑब्वियसली बात है हमारा टेस्टिस में होता है, ऊजेनेसिस हमारा ओवरी में होता है, ठीक? गैमिटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे नीड से चाहे वोट से, ठीक है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जो कि कहाँ पे होता है, टेस्टिस में होता है, ठीक है? इसमें हमारे हम सारा कुछ पढ़ेंगे कि क्या कैसे होता है, ऊजेनेसिस भी पढ़ेंगे, तो आज हमारा इतना ही हो गया। बताओ भाई, आज के पूरे लेक्चर में कोई डाउट है या कोई नहीं, कोई कुछ पूछना है? सबसे पूछ रहे हैं हम, किसी को कोई डाउट है? निकिता, निकिता शिवराज? नो मैम। ठीक है भाई, आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन गैमिटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है?